Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear students. This is 7th class science and I am your teacher Shabir Ahmed. So we were studying chapter number 16. The chapter is water, that's in your unit 3rd, and we are today going to do the textbook questions or textbook exercises which are on page number 257. Now the first is textbook exercises. The first part is answer the following questions in one word or a figure. We have to answer the questions एक वर्ड में या कोई डायग्राम या फिगर में हमें इसको आंसर करना है, कोशिश करना है, ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द एपरेटस, वॉट इज द एपरेटस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कॉल्ड, यानी जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है जिस एपरेटस से वो होती है उसका नाम बताना है आपको. तो उस एपरेट्स को जो है उसको कहते हैं वोल्टामीटर. यानी वोल्टामीटर एक एपरेट्स है जिसमें वाटर को जो है इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, यानी उसमें हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग होता है. द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वॉल्यूम रेशियो फॉर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर. आंसर देखिए, वॉल्यूम रेशियो फॉर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर इज़ 2:1, यानी टू पार्ट्स ऑफ hydrogen and one part of oxygen. Third is at what temperature does water change into steam. Now water has a boiling point of 100 degrees Celsius, so water change into steam at 100 degrees Celsius. Fourth dekhiye, at what temperature does water change into ice. Water ka jo freezing point hai that's 0 degree Celsius, lehaza 0 degree Celsius pe water freeze hota hai aur ice ban jata hai. फिफ्थ देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम. वाटर की डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा है, दैट्स 1 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सीसी भी जिसको बोलते हैं, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है. यानी वाटर बॉडी की टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेल्सियस होती है तो उसकी डेंसिटी वाटर की जो है सबसे ज़्यादा होती है. सिक्स्थ देखिए, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर. कॉमन सेंस है, वाटर there are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. दो hydrogen atoms और एक oxygen atom water में होता है. सेवन देखिए, which is lighter, water or ice. आपने देखा होगा ice को अगर पानी में डालें तो वो ऊपर रह जाता है, तुलका तौर, या शीन अगर इसको तुलका तौर खास कर इस अगर सो आब मज त्रो सो आब पे रोजान. This proves that ice is lighter than water. एट देखिए, नेम द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ जो है दैट्स ओशंस. ओशंस जो है ज़मीन पे सबसे ज़्यादा सोर्स वाटर का है, सबसे बड़ा सोर्स. एंड इट हैज़ अबाउट 97% ऑफ द अर्थज वाटर इन ओशंस. नाइन देखिए, नेम ए लिक्विड विच इज़ हैवियर देन वाटर. कोई ऐसा लिक्विड बनाना है जो वाटर से हैवी हो, यानी उसको वाटर में डालेंगे तो वो नीचे सेटल हो जाएगा, यानी वाटर ऊपर और वो नीचे रहेगा. तो मस्टर्ड ऑयल, तिलगोगल तेल या वन सरसों का तेल जिसको बोलते हैं, कोई भी वो ये ऑयल ले लीजिए, उसमें पानी में डाल दीजिए तो उसको आपको जो है ये प्रूफ हो जाएगा. हाँ देखिए, टेंथ इज नेम ए केमिकल विच इज़ यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर. कोई केमिकल बताना है जिसको हम वाटर में ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं ताकि उसमें वाटर में जो जर्म्स हों वो मर जाएँ. क्लोरीन है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये हम वाटर टैंक्स में ऐड करते हैं. इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है दूसरा. वाटर हेल्प्स इन द डैश डैश ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. सीड्स और फ्रूट्स को क्या करने में वाटर हेल्प करता है. दो चीज़ें हैं, एक तो हम लिख सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, लेकिन वर्ड एक ही दे लिखना है तो हम लिखेंगे वाटर हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. दोनों इसमें आएंगे, डेवलपमेंट सीड्स का और फ्रूट्स का दोनों का होता है. वाटर अगर नहीं होती तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट ऑफ सीड्स और फ्रूट्स नहीं होता. चलिए एक और है, अबाउट 97% ऑफ वाटर इज़ इन, सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पे होता है, इज़ इन वेयर, इट्स इन ओशंस. ओशंस में सबसे ज़्यादा वाटर होता है. इसके बाद देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ डैश डैश मेक्स वाटर यूजफुल इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. कौन सी प्रॉपर्टी वाटर की ऐसी है जिससे ये डाइजेशन में हेल्प करता है. तो फ्लूडिटी जो है एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आप लिख सकते थे फ्लूडिटी एंड सॉल्युबिलिटी, मगर इसने प्रॉपर्टी लिखी है, एक ही प्रॉपर्टी लिखनी है तो हम लिखेंगे द फ्लूडिटी ऑफ वाटर मेक्स इट, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूडिटी मेक्स वाटर यूजफुल फॉर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन.
फोर्थ देखिए, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 70% ऑफ वाटर बाय बाय वॉल्यूम लिखते हैं, बाय वॉल्यूम, एक्चुअली इट्स वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, इट्स बाय वेट है, ठीक है, इट्स वेट, 70% ऑफ वाटर बाय वेट। पांचवा देखिए, सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट, सीड्स कैन नॉट डैश डैश विदाउट वाटर, सीड्स कैन नॉट डैश डैश को लिखेंगे हम, सीड्स कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट वाटर, ठीक है, ओके। एक और देखिए, रिमूविंग डैश डैश, रिमूविंग डैश डैश डिजोल्व, रिमूविंग डिजोल्व सॉल्ट्स फ्रॉम सेलाइन वाटर इज कॉल्ड डैश डैश, इसको हम डीसेलिनाइजेशन कहते हैं, डीसेलिनाइजेशन रिमूवल ऑफ वाटर। इसके बाद देखिए, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। आठवां देखिए, द डैश डैश ऑफ लिक्विड वाटर इज 1 ग्राम्स पर सीसी, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज 1 ग्राम्स पर सीसी, ये डेंसिटी है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट डैश डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेंथ देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, तो ये आज के लिए इतना ही था।